बूढ़ा में आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मैं सिर्फ एक ऐसे ही वॉक ले रहा हूँ यहाँ का। पुराने इस शहर में घूमने का मज़ा अलग ही है और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या है और मेरे रास्ते में। मुझे यहाँ इस तरह से लॉन्ग वॉक्स लेना अच्छा लगता है। यहाँ देखिए रेस्टोरेंट्स में बाहर बैठने का भी चलन है, इस तरह से सजाए रखते हैं लोग कुर्सियाँ। ये गोलाश सूप मैंने कोशिश किया था कि मैं इसको टेस्ट करूं, लेकिन मुझे बताया गया कि ये तो नॉन वेजिटेरियन होता है तो फिर मैं नहीं ले सकता। पालिंका भी आप ट्राई कर सकते हैं। पालिंका एक छोटा सा अल्कोहलिक ड्रिंक है और ऐसा कहते हैं कि पालिंका के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है बुडापेस्ट में पालिंका, तो प्लीज़ मना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मना करते हैं तो उसे बदतमीज़ी माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ शहरों में है ना, अगर किसी ने पान ऑफ़र किया तो आप मना नहीं करते हैं। पान इज़ ऑल्सो लाइक यू नो समबडी इज़ गिविंग यू रिस्पेक्ट। पान को मना नहीं करते हैं लोग, ऐसे ही पालिंका को भी बुडापेस्ट में मना नहीं करते हैं। यहाँ इस तरह से एक वॉक लेने का भी मज़ा अलग है। आई एम श्योर आपने मेरा वो वानार वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया है क्योंकि मैं नीचे से कैसे बूढ़ा में आया हूँ। ये देखिए यहाँ की लोकल बस सर्विस है, इसी से आज मैं आया हूँ। ये जो पुराने स्टाइल का रोड है, मतलब ऐसा बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी में भी ऐसे ही टाइल्स थे, इसी तरह से रोड बनाया जाता था जिन पर सारे घुड़सवार उस ज़माने में दौड़ा करते थे। यूरोप की एक सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको फूल हर जगह दिखेंगे, फ्लावर्स, और नेचुरली आ जाते हैं, कोशिश नहीं करनी होती, यहाँ का मौसम ही ऐसा है। आपको मालूम है यूरोप अकेला एक ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारे प्लैनेट पर जहाँ डेजर्ट नहीं है, रेगिस्तान नहीं है। अकेला यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है, बाकी सब जगह डेजर्ट है। एशिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन यूरोप में नहीं है। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हर जगह आपको दिख जाएंगे, सारे नेचुरल प्लांट्स हैं। यहाँ वैसी डेकोरेशन नहीं दिखती जो प्लास्टिक के पेड़ों की होती है नॉर्मली हमारे यहाँ, वो डेकोरेशन नहीं दिखती है। तो आज मैंने कोई किसी एक ख़ास जगह जाने का प्लान नहीं किया है, मैं बस ऐसे ही वॉक करने वाला हूँ, क्योंकि वॉक करना अपने आप में एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। आप कहीं ना कहीं अपना सेहत का भी ध्यान रख रहे होते हैं और इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। ये जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म यहाँ पर दिखता है ना, ये पुराने टाइप की सड़कें, बेंच वगैरह बैठी हैं, लोग बड़ा चिल्ड आउट फील करते हैं यहाँ आकर। ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं यहाँ पर, लिमिटेड है, इलाका भी छोटा है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहीं रहते हैं, जो सारे बड़े सरकारी दफ्तर हैं वो बूढ़ा में हैं। तो जो लोग बॉम्बे से फेमिलियर हैं उनको पता होगा, जैसे कोलाबा है हमारे यहाँ बॉम्बे में, जहाँ पे साउथ बॉम्बे में सारे सरकारी दफ्तर हैं, छोटा सा एरिया है। तो आप समझ सकते हैं बूढ़ापेस्ट जो है ये जैसे बॉम्बे में कोलाबा है, ऐसे ही है ये भी। आप यहाँ आकर एक अच्छा सा वॉक प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ से डेन्यूब दिखेगी, क्योंकि आपको पता है डेन्यूब के साथ तो मेरा कुछ पिछले जन्म का नाता है ऐसा लगता है मुझे। अकेले बूढ़ा में इतने सारे अट्रैक्शंस हैं देखने के लिए, कई सारे गार्डन हैं, कुछ म्यूज़ियम हैं, जिनको एक साथ आपको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। फ्री वाईफाई का भी साइन लगा हुआ है, फ्री वाईफाई अगर किसी को चाहिए तो। यहाँ भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है क्योंकि इमारतें पुरानी हैं, तो वक्त के साथ इनमें मरम्मत का काम भी ज़रूरी होता है। काफ़ी पुराना 17वीं सदी का यहाँ सब कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको मरम्मत की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये देखिए ये शायद सीवर का ढक्कन है, पर वो भी कितना साफ है यार, हमारे यहाँ तो नालियाँ इतनी गंदी होती हैं। सीवर का
ढक्कन भी इतना साफ है, इस पे लिखा हुआ है बुडापेस्ट। बुडा में आप जितनी बार भी आएंगे उतनी बार आपको कुछ नयापन दिखेगा, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ पर देखने कि आप एक दिन में पूरा बुडा नहीं देख सकते। इसलिए अगर आप लोग जब भी आने का प्लान करें तो बुडा के लिए दो दिन रखिएगा, तभी आप यहाँ के सारे म्यूज़ियम, सारे स्टैचूज, सारे जितने भी देखने लायक स्पॉट्स आप उन्हें देख पाएंगे। और सबसे ज़्यादा लोगों का जो टाइम बीतता है वो यहाँ बीतता है जहाँ मैं आपको लाया हूँ। लोग सबसे ज़्यादा समय यहाँ खड़े होते हैं, जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो एक लंबा समय यहाँ बिताते हैं। क्यों करते हैं ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है तो यहाँ से खड़े होकर क्या देखते हैं। इन तीन शहरों को मिलाने वाली ये नदी बुडा, ओ बुडा और पेस्ट। ओ बुडा तो अब गायब हो चुका है, बुडा और पेस्ट है जो एक नदी के इस पार है और एक उसमें नदी के इस पार है। यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है डेन्यूब, आप देख ही रहे हैं कि शहर पूरा का पूरा किनारे ही बसा है। ये यहाँ का म्यूज़ियम है और उसके बाहर स्टैचू है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ पूरा नज़ारा। चलिए अब आगे चलते हैं। इस पाथ को कवर करने के लिए हमें एक बार फिर से सफ़र लेना होगा। खूबसूरती हर तरफ है शहर में। सेंट्रल यूरोप एक्चुअली बहुत सीनिक ब्यूटी है सेंट्रल यूरोप में, और ख़ासकर यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ के स्टैचूज। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा पागलपन हो गया है इस पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग को लेकर, लेकिन वाकई यहाँ से निकलते समय इस तरह से चलते हुए इन रास्तों को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप लोगों को आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने एक वीलॉग किया है जिसमें आपको मैंने ये बताया है कि कैसे दो लोग हफ्ते के 5 दिन या 7 दिन यहाँ पर बिता सकते हैं, उसमें कितना खर्च आएगा और किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं इंडियन करेंसी में। ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ आना, यही मैं बार बार बताना चाहता हूँ। और यहाँ आप लोगों को घुमाने का मकसद भी यही है कि बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। सबसे पहली बात तो यही कि अपनी धरोहरों को किस तरह से सहेज कर रखा जाता है। हम पवित्रता की बात तो करते हैं लेकिन सफाई के नाम पर क्या हाल है हम सभी जानते हैं। बात करने और बात को सही करने, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये वो चेन ब्रिज देख रहा है जिसमें बंद है। ये शांत डेन्यूब नदी, आगे बढ़ते हैं। ये लाल रंग की बेल जो है ये भी एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसल दिख रहा है पूरा, हम इस समय कैसल में ही टहल रहे हैं। ये पूरा हिस्सा कैसल का ही पार्ट है, बूढ़ा कैसल का। मुझे लाल बेल भी बहुत अच्छी लगी है, कलर बदलती है, ये नीचे ग्रीन है फिर धीरे धीरे ऊपर ये रेड होती जाती है। और ये वही घुमावदार रास्ता जैसा कि पुराने वक्त में किलों में होता था। आपने अगर इंडिया में भी फोर्ट्स देखे हैं तो वहाँ पर इस तरह के रास्ते होते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा चौड़ा बनाया गया है। आमतौर पर जो इंडियन किले हैं वहाँ पर पतले रास्ते होते थे ताकि दुश्मन अटैक करे तो एकदम से ज़्यादा संख्या में अंदर ना आ सके, लेकिन यहाँ ये काफ़ी चौड़े हैं, आप देख ही सकते हैं। बढ़ते जा रहे हैं हम एक
शाम ऐसी हो जिस पे आप इस तरह से वॉक कर रहे हो। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के उन सभी लम्हों को याद कर सकते हैं जो कभी खास रहे हैं, या आपने कुछ खास दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए भी आ सकते हैं। फिर इस वॉकवे पर चल रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ से भी नीचे जाया जा सकता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक कार से आया हूँ, वो रास्ता दूसरा है, ये दूसरा रास्ता है। मैं कल भी यहाँ घूम रहा था, आज भी आया हूँ, और हर बार नयापन लग रहा है। इस शहर की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी पॉजिटिविटी का फील आता है यहाँ पर आने के बाद। शांति बहुत है, लोग कम हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं, यहाँ के अपने लोग कम हैं। और वैसे मैंने देखा कि सेंट्रल यूरोप जो है वो इंडियंस के बीच ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पता नहीं क्यों लोग लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड यहाँ तो जाना चाहते हैं, और शायद सेंट्रल यूरोप के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जानते नहीं हैं, इसीलिए ये रहता है कि पता नहीं कैसा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, तीन शहर तो देखने लायक हैं, तीनों शहर मैंने देखे हैं, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है, और जब आप यहाँ से प्राग जाते हैं तो ब्रातिस्लावा भी आता है रास्ते में। ब्रातिस्लावा एक्चुअली स्लोवाकिया की राजधानी है, चेक स्लोवाकिया होता था, चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, चेक की राजधानी बन गया प्राग और स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। तो ये पूरा रीजन जो है, चाहे वो प्राग हो, ब्रातिस्लावा हो, वियना हो, बुडापेस्ट हो, ये सब पास में ही है। आप अगर एक 10 दिन का प्लान करें तो हर शहर को दो दो तीन तीन दिन रुककर देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार में एक ही जगह को देखें ताकि उसको अच्छे से जी पाएँ, उसको अच्छे से देख पाएँ। जल्दबाजी में घूमना उतना एडवाइजेबल नहीं होता, फिर आप उस पूरे शहर को अच्छे से जी नहीं पाते। मेरा ये मानना है कि एक शहर में जाइए, वहाँ रुक जाइए, वहाँ के रहन सहन को देखिए और फिर आगे बढ़िए। ये यहाँ पर म्यूज़ियम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब यहाँ से वापस जाना होगा। तो इस तरह से डे 4 में आपका सफ़र मेरे साथ चल रहा है, यूं ही आपको घुमाता रहूँगा। आप भी जब मन चाहे यूटी रील्स आते रहिए, देखते रहिए, जो भी मुझे दिख रहा है देखने लायक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा।
अपनी बुड्ढा विजिट के दूसरे दिन मैं आपको एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूँ। कैसल के हम सबसे ऊपरी हिस्से में हैं जहाँ की हम जा सकते हैं, और यहाँ से अब हम बूढ़ा और पेस्ट दोनों का नज़ारा देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सामने आपको पेस्ट दिख रहा है, ये चेन ब्रिज अगर अभी रिपेयर नहीं हो रहा होता तो इसकी ब्यूटी अलग ही देखने को मिलती है। उधर पार्लियामेंट है और ये एक दूसरा ब्रिज है जिस पर मैं आपको क्रॉस करा चुका हूँ। ये कैसल दिख रहा है नीचे का हिस्सा जहाँ घूम रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कल भी आपको ये हिस्सा घुमाया था। और ये आप देख सकते हैं डैन्यूब के किनारे किनारे जो रोड है बूढ़ा में, वो आपको दिखाई दे रहा है। क्रूज आ रहा है, काफ़ी बड़ा क्रूज है, एक अच्छी पार्टी कर सकते हैं इस पर। सनसेट के टाइम एक अलग ही नज़ारा होता है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ बूढ़ा यहाँ से कैसा दिख रहा है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं अभी ये बूढ़ा का ही है, ये पूरा बूढ़ा है। कह सकते हैं कि बूढ़ा पेस्ट में बूढ़ा जो है एक पॉश लोकेलिटी है। ये वही रास्ता है जिस पर मैंने आपको लाल वाली बेल दिखाई थी। यहाँ मैं नीचे टहल रहा था, अब मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से हम फिर वही नज़ारा देख रहे हैं। क्रूज अब हमारे बिल्कुल सामने आ चुका है। चलिए अब मैं आपको इसके दूसरे हिस्से की तरफ लेकर चलता हूँ। वहाँ भी एक बहुत अच्छा स्टैचू मुझे दिखाई दे रहा है। आज काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडियंस बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे, बहुत कम इंडियंस दिखते हैं। ये पतला सा रास्ता है जिस पर चलकर मैं जा रहा हूँ, और ये नीचे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे शायद जाना मना है, इसलिए रास्ता बनाया गया है। पुराने किलों में अक्सर इस तरह के रास्ते हुआ करते थे, खुफिया रास्ते जहाँ एक वॉल से दूसरी वॉल पे आप जाते थे, दुश्मन ने कहाँ से अटैक किया है, आक्रमण किया है। ये देखिए कुछ वैसा ही रास्ता, हम एक्चुअली कैसल की वॉल पे चल रहे हैं। वॉल आपको तो पता ही है कि कितनी चौड़ी हुआ करती थी वॉल, वॉल पे पूरी की पूरी फौज खड़ी रहती थी, इतने चौड़े ये वॉल होते थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा चौड़ा पैसेज है। ये वही हिस्ट्री म्यूज़ियम का पिछला हिस्सा हमें दिख रहा है जहाँ मैं आपको कल लेकर गया था, हिस्ट्री म्यूज़ियम जहाँ मुझे वो चाइनीज़ कपल भी मिला था। चलते जा रहे हैं और हम इस स्टैचू के पास जाने वाले हैं। इस स्टैचू हमें नीचे से भी दिखाई दे रहा था, इसको देखकर आपको कुछ याद आया, शायद मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। वाओ, दैट्स द डेडली कॉम्बिनेशन। येलो लाइट आ रही है, ब्लू स्काई है, कितना अच्छा लग रहा है। रात नहीं है, ये सब सूरज की रोशनी है, येलो कलर के शीशे हैं, नीला आसमान। कुछ लोग यहाँ नीचे से भी आ रहे हैं लेकिन हम यहाँ अंदर से ऊपर से चलते हुए जाएंगे। यहाँ पे अब लिफ्ट भी लग चुकी है, कैसल में तो लिफ्ट नहीं हुआ करती थी उस जमाने में, लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न टाइम है तो लिफ्ट लगाई जा सकती है। हम स्टैचू के बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। यहाँ से भी वही नज़ारा, अगर इंडिया होता तो यहाँ लिखा होता यहाँ थूकना मना है, और लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये लिखा है कि थूकना मना है, क्योंकि लोगों में खुद ही इतनी समझ है कि यहाँ थूकना या कुछ भी गंदगी नहीं करनी है।
25 फीट की तो मूर्ति होगी ये। अब हम वापस आगे बढ़ेंगे, नीचे तो हम आपको दिखा चुके हैं, ये वाला रास्ता आपने देखा ही है, एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो मैं वापस जाऊंगा और कुछ अगर आपको दिखाने के लिए नया दिखेगा तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। लेकिन ये जो येलो वाली लाइट दिख रही थी ये तो वाकई अच्छी लग रही थी, शायद अभी वापस हमें इधर से दिखेगी तो मैं आपको एक बार और दिखाऊँगा। खूबसूरत नज़ारा है, ये येलो और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन आता है बहुत अच्छा लगता है।